सॉरी सॉरी सॉरी, आ गया है फ्राइडे और आ गई हूँ मैं भी। तो ये मैं क्या कर रही थी, चाय की चुस्कियों के साथ लैपटॉप पे अपना फेवरेट आर्टिकल पढ़ रही थी, या कुछ लिखने की तैयारी कर रही थी, या कुछ सोच रही थी। सोच रही थी, कुछ दिनों से मेरी तबीयत कुछ अनबनी सी है, कुछ अजीब सी है। तो मैंने एनालाइज किया कि मुझे हो गया है फेस्टिवल फटीग। शायद आप में से भी बहुत सारी सखियों को फेस्टिवल फटीग हो गया हो। पूरे साल हमने इतने सारे फेस्टिवल्स इतने अच्छे से मनाए कि क्या कहना। अब है समय कुछ आराम का, कुछ चिंतन का, कुछ सोचने का, कुछ समझने का। हर त्योहार हमने अपनी परंपरा के साथ निभाया। घर की सजधज, अपनी सजधज, बच्चों के लिए शॉपिंग, हस्बैंड्स के लिए नखरेदार शॉपिंग, लेकिन मनाए, धूम मचाई, हर त्योहार को बहुत उल्लसित होके मनाया, क्योंकि ये त्योहार ही तो हैं जिनसे बढ़ता है हमारे जीवन का कारवां, यही लाते हैं हमारी जिंदगी में खुशियां और रंगरेलियां। क्या हम इनके बिना अपना जीवन इमेजिन कर सकते हैं? नहीं। लेकिन अब जब ऑलमोस्ट हम ईयर एंड पे पहुंच रहे हैं, वी आर ओनली 40 डेज शॉर्ट फ्रॉम एंटरिंग इनटू न्यू ईयर 2025, अब लगता है थोड़ा आराम करना चाहिए, कुछ 2025 के लिए कंस्ट्रक्टिव सोचना चाहिए। 2024 में तो हमने त्योहारों का बहुत आनंद लिया और अपने सब फ्रेंड्स और परिजनों को भी दिया, चतुरागिनी ग्रुप को भी दिया। मैं तो श्रावण क्वीन कंटेस्टेंट थी, कुछ विन भी करी, लेकिन त्योहारों का स्केल बहुत बड़ा हुआ और बहुत कुछ किया जो शायद बचपन से कभी नहीं किया था। अपने तैयार होने की, सजने धजने की बात तो जाने ही दीजिए, वो तो एक अलग ही स्टोरी है। इस सब ने थोड़ी फटीग दे दी, ऐसा लग रहा है कि अब थोड़ा आराम किया जाए, अपना मी टाइम क्रिएट किया जाए, अपने बारे में सोचा जाए। क्या हमने ये साल फ्रूटफुल मनाया? क्या हमने ये साल में कुछ कंस्ट्रक्टिव किया? क्या हमने इस साल में कुछ ऐसा किया जिससे हमारी जिंदगी बेहतर हुई, हमारे आसपास वालों की बेहतर हुई? हमने सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट किया? हमने अपनी फैमिली को कुछ कंट्रीब्यूट किया? कुछ बेटर फाइनेंशियल प्लानिंग की? कुछ बेटर सोशल आउटिंग्स की? कुछ ऐसे काम किए जो हमने बहुत सालों में नहीं किए थे? जी बिल्कुल किए, आई एम श्योर आप सबने भी किए। लेकिन लेकिन अब नोट कीजिए कि 2025 में आप क्या करना चाहती हैं, आप किस तरह 2025 का आगाज करना चाहती हैं, साल के बीच में पहुंचना चाहती हैं और साल के अंत में आना चाहती हैं। मानती हूं ये बड़ा डिफिकल्ट काम है, क्योंकि समय बहुत बलवान है, वो हर चीज अपनी तरह से करवाता है, लेकिन हमें समय भी देता है कि हम उसको शेप कर सकें, मोल्ड कर सकें, कुछ प्लानिंग कर सकें। और ये कैपेसिटी भगवान ने हम ह्यूमंस को ही दी है, और उससे भी ऊपर हम लेडीज को दी है। वी आर बेस्टोड विद वेरी गुड फ्यूचरिस्टिक प्रेडिक्शंस एंड फोरसाइटेडनेस एंड प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। देखिए ना, हम कितने काबिले तारीफ है हम लोग। सो तो है, तो फेस्टिवल फटीग के लिए चाय पीजिए। अरे फटीग तो एक बात, दिवाली के अगले दिन तो मुझे फेस्टिवल हैंगओवर हो गया था। मैं सोच रही थी अब मैं क्या करूंगी, सब त्योहार खत्म हो गए। शायद आप भी सोच रही हो, हमारे जीवन से बहुत सारा काम निकल गया तो अब हम कुछ और काम करेंगे। इसलिए आप भी सोचिए, समझिए, डायरी लीजिए, जर्नल लीजिए, या अपने लैपटॉप फोन में कुछ प्लान बनाइए कि कैसे गुजारेंगे हम आने वाले दिन 2025। आप कहोगी ये बात मैं थोड़ा जल्दी नहीं कह रही हूँ। अरे जल्दी, 40 दिन चुटकियों में निकल जाएंगे, 40 घंटों की तरह या 40 मिनटों की तरह। तो आपको स्टार्ट हो जाना चाहिए, और ये 40 दिन
आप आराम कीजिए, आराम से सोचिए और खुश रहिए और खुशियां बांटिए, क्योंकि यही है जीवन का उद्देश्य। जब आज वर्ल्ड में सब जगह वॉर चल रहा है, धमाके हो रहे हैं, इंसानी रंग बिखर रहा है, हम सब इन त्योहारों से ही तो प्रेरणा लेते हैं कि जीवन का उत्साह, उमंग, खुशियां, अपनों का प्यार, अपनों का साथ हमेशा बना रहे। छोटों के प्यार, बड़ों के आशीर्वाद जो हैं, जो चले गए, वो हमको हर रूप में ब्लेस करते रहे। यही है इन त्योहारों की इनकी सीख, यही है इन त्योहारों की प्रेरणा, और यही त्योहार हमें नवाज के जाते हैं। इसीलिए त्योहार मनाइए, फटीग उतारिए और इंजॉय कीजिए। मेंटल पीस में रहिए, मेंटल हैप्पीनेस में रहिए, यही आपको खुशी देगा, आपके जीवन को बहुत खूबसूरत बनाएगा। थैंक यू, नमस्कार, शब खैर आप सबको।